नमस्कार साथियों, आज ये जो वीडियो है दिल्ली के सभी बच्चों जो 9th क्लास और 11th क्लास में आना चाहते हैं और दिल्ली के जितने भी अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को 9th और 11th में अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, दिल्ली के अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए आज ये वीडियो है। तो हम देखते हैं ये कौन सा वीडियो है। तो दिल्ली सरकार ने, आपको मालूम है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल खोले थे, तो उन्हीं स्कूलों को और बढ़िया मॉडिफाइड करके और स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस नाम से स्कूल खोले हैं, जो दिल्ली में 20 स्कूल हैं। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके तहत ये जो स्कूल है ये खोले गए हैं। अब ये जो स्कूल है, इनमें अभी एडमिशन शुरू हो रहा है। इनमें चार प्रकार के स्कूल है। पहला स्कूल है, उनमें है STEM, स्टेम है उनमें। स्टेम का मतलब है S यानी साइंस, T यानी टेक्नोलॉजी और E का मतलब इंजीनियरिंग और M का मतलब मैथमेटिक्स। ये स्टेम वाले स्कूल वो है जहाँ ये सब्जेक्ट 11th में बच्चों को मिलेंगे। दूसरा है ह्यूमैनिटीज, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट इसमें मिलेंगे। इसका अलग से स्कूल होगा, वहाँ इसी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। एक स्कूल ऐसा होगा जिसमें परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट ही सब्जेक्ट होगा, इसी से संबंधित सारी पढ़ाई होगी और कोई सब्जेक्ट यह नहीं होगा। चौथा स्कूल वो है जहाँ 21st सेंचुरी की स्किल्स जो है वो सिखाई जाएगी बच्चों को। 21वीं सदी में नए नए कौशल, नई नई स्किल कौन कौन सी है, जैसे कोडिंग करना है, रोबोटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, ये सभी इसमें होगी। तो ये बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। चार स्कूल है, चारों स्कूलों में जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट सारे बच्चों को देंगे। अब इसमें कैसे एडमिशन होगा? तो देखो, 12 अगस्त से 19 अगस्त तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और ये वेबसाइट है EDUDEL, EDUDEL, एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है EDUDEL। इस पे आप जाओगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा और आपको इसके लिए एडमिशन का आपको मालूम चल जाएगा। अब इसमें 12 तारीख से 19 तारीख तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और 23 तारीख से 29 तारीख के बीच एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उन बच्चों का, यानी एग्जाम होगा। ज़्यादा कठिन नहीं होगा, हल्का एग्जाम होगा। बच्चों का एक हल्का सा ज्ञान का जांच किया जाएगा, भाई बच्चे वास्तव में योग्य है या नहीं है। 12 से साथियों, 12 यानी आज आज से शुरू हो गए हैं फॉर्म भरना और 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। 23 और 29 के बीच में टेस्ट होगा। अब बात करें 9th क्लास के लिए क्या क्या योग्यता है, तो बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ना चाहिए, 8वीं क्लास पास करके, और वो भी कितने परसेंट, 60% नंबरों से। 8वीं क्लास में उसके 60% नंबर हो और 11th क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चे का 10वीं क्लास में 75% नंबर उसके प्राप्त हो। अगर वो बच्चा SC ST OBC का है, SC यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, ST यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, OBC अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमिलेयर है, तो वो जो है OBC जो है उनको सबको 5% छूट दी गई है, यानी उनको 60 की जगह 55% हो इसमें 8th क्लास में तो चलेगा, और 10th क्लास में उनका 70% नंबर हो तो भी वो इसके योग्य है। और एक और क्लास है CWSN, स्पेशल चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी वे बच्चे जो विशेष बच्चे हैं उनको हम दिव्यांग भी बच्चे कहते हैं, उन दिव्यांग बच्चों के लिए भी 5% की छूट है और वो 9th और 11th के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब बच्चों साथियों, इसमें जो सेक्शन होंगे तो बता दें हम, वैसे सरकार का समकाल परिस्थिति के हिसाब से है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हर सेक्शन में 30 बच्चे होंगे। देखो आप, जो रेशो है ये NEP के हिसाब से है, NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से रेशो है। टीचर्स बोलते हैं इसको, TS रेशो, टीचर्स एंड स्टूडेंट रेशो, तो 1:30, जबकि वर्तमान में 1:40 का रेशो है जो हमारा NCF 2005 के अनुसार। तो ये रेशो रहेगा, बहुत प्यारा रेशो रहेगा, 30 बच्चों को केवल एक टीचर पढ़ाएगा कक्षा में, और ऐसे चार सेक्शन बनेंगे हर स्कूल में, मात्र 120 बच्चे एक स्कूल में होंगे। इस प्रकार से ये 20 स्कूल है, तो 20 स्कूल में 20 × 120 मात्र 2400 बच्चों का सिलेक्शन होगा। 2400 बच्चे लगभग दिल्ली में चुने जाएंगे। अब इसमें एक कंडीशन है कि 50% बच्चे वो लिए जाएंगे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं,
यानी जो 1200 सीट है वो केवल सरकारी स्कूल के बच्चों से भरी जाएगी, और जो 1200 बची वो सीटें ही जो अन्य स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां से भरी जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी पूरी सूचना थी। मैं दोबारा बता दूं, इसका सबसे मुख्य बात यह है कि 12 अगस्त से यानी आज से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम होगा 23 से 29। इसमें नॉर्मल आएगी चीजें, जो बच्चे ने 10th क्लास में पढ़ी है, जो 6 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो सारे एसएसटी पढ़ने हैं, और जो 8th क्लास का बच्चा है जो 9th में जा रहा है उसने 8th के जो पढ़ा है वो उसी लेवल का होगा। 9th में एडमिशन के लिए 8th क्लास का लेवल का पेपर होगा, और 11th में एडमिशन के लिए 10th क्लास के लेवल का पेपर होगा। बाकी ये जो पेपर है उसको भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ 20 स्कूल दिल्ली में कौन कौन से हैं। मित्रों, इसमें दिल्ली में जो 20 स्कूल है, मैं 20 स्कूल का नाम बता रहा हूँ आपको, आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना स्कूल देख सकते हो। तो ये जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, खिचड़ीपुर, खिचड़ीपुर में आपको एसटीएम मिलेगा। मैं पहले स्टेम वाले बोल रहा हूँ, जहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। तो खिचड़ीपुर में है स्टेम, और आपका सेक्टर 23 रोहिणी में स्टेम है, कालकाजी में स्टेम है, सिविल लाइंस में स्टेम है, LR करोलबाग इसमें भी स्टेम है, हरिनगर स्टेम है, और द्वारका सेक्टर 10 यहाँ स्टेम है। अब कोई बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज लेना चाहता है तो उसके लिए 4 स्कूल है, सेक्टर 17 रोहिणी, मदनपुर खादर, गांधीनगर और सेक्टर 22 द्वारका। अगर कोई परफॉर्मिंग और म्यूजल आर्ट लेना चाहता है उसके लिए 2 स्कूल है, सेक्टर 21 रोहिणी और सेक्टर 19 द्वारका। सेक्टर 21 रोहिणी और सेक्टर 19 द्वारका में ही आपके परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट है। और अगर कोई बच्चा 21वीं सदी के जो स्किल है वो सीखना चाहता है, जैसे डिकोडिंग एनकोडिंग है, आपका कंप्यूटर साइंस है, और भी आपकी नई नई जो चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ये इसके लिए आपके पास स्कूल है, 5 स्कूल है। कौन कौन से हैं? एक तो है सूरजमल विहार, लाजपत नगर, सेक्टर 11 रोहिणी, सेक्टर 5 द्वारका और नरेला। ये इस प्रकार से 20 स्कूलों में मैंने नाम बताए आपको, और यहाँ आप जाके ये जो स्कूल जो एरिया बताए हैं उस एरिया में एक स्कूल है, उसका नाम है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, वहाँ जाके आप मालूम कर सकते हो कि ये सारे सब्जेक्ट है। और आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बड़ा ही फायदेमंद होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, और ये सूचना अपने साथियों को, संबंधियों को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।